सर, हाउ कैन आई बी प्रेग्नेंट? सर, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ सर? नहीं, अगर हो भी तो भी, मिस्टर आर्यन क्रोवर फॉर योर KI कंपनी ने मर्दों को मैटरनिटी लीव देना शुरू नहीं किया है सर. ये अर्जेंट वाला है. क्यों? तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्या आने वाला है? सर, चाचा जी आ रहा है. ही इज बैक. आकाशवाणी नहीं वो है. आएगा बंठन 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 अतिथि लंदन लंदन. अरे साहब, आज के जमाने में अतिथि नहीं गेस्ट कहते हैं. लो, आ गया मेहमान. चेहरे पे मुस्कान लिए मानो कोई पीर फकीर है. असल में उड़ता तीर है, ये विषय बहुत गंभीर है. कंबल लहका ओढ़ के छुपले अड़ोसिया, पड़ोस में छुपले देश या परदेश में छुपले, चांद पे छुपले, मार्स पे छुपले, आगे छुपले, पीछे छुपले, अंदर छुपले, छत पर छुपले, ढूंढ लेगा ढूंढ लेगा वो तो सबसे कह कर लेगा. Interview is to check that this marriage is real and that you are not having a marriage for benefits. ये दुबारा गुफ्तगु ये जानने के लिए हैंगे कि आप दोनों सचमुच में निकाह कर रहे हैंगे या वीजा के चक्कर में इनके भाई के जीजा बन रहे हैंगे. नो सर, वी लव ईच अदर. तो ठीक है, हम निकाह के मुतालिक आपसे अलग अलग सवाल पूछेंगे. मंजूर? मंजूर. Is this a love marriage or arranged marriage? इश्क निकाह हैंगे तो तरतीब निकाहेंगे. इश्क निकाह, लव मैरिज. आपकी होने वाले खातून के अब्बू का नाम क्या हैंगे? क्या? ससुरे का नाम क्या हैंगे? पीके पटेल. ओके पटेल. हैं जी. दो पापा हैंगे. अनाया क्या करती हैंगे? टैक्सी चलाती है. आई एम अ कैब ड्राइवर. मोहतरमा कितना खाती हैंगे? नॉट मच. क्या रोज नहाती हैंगे? हाँ. पहले कौन सोते हैंगे? मैं. कपड़े कौन धोते हैंगे? मी. ज्यादा कौन कमाते हैंगे? मैं. ज्यादा कौन उड़ाते हैंगे? मी. क्या ये सब सच हैंगे? जी. ये तो टू मच हैंगे. यस सर, वी लव ईच अदर. Haven't known any couple that knows so much about each other. Fit for real, sister. This is sad marriage. You're nakli nikahenge. Why you think so, Officer Habib? Because they know too much about each other. India, Pakistan ne bibi shohar ke baare mein agar itna jante henge, to fir wo bibi shohar nahi henge. Karan aur Johar henge. Officer Habib, you Pakistanis always have problem with Indians. Your marriage date is in 15 days. Thank you, sir. Thank you, sir. बॉर्डर पार करके बताना पड़ेगा. सो द डील इज, इस फेक मैरिज के लिए तुम अनाया को 7,000 पाउंड दोगे और ये तुम्हारी यूके सिटीजनशिप लेने में मदद करेगी. 2,000 एडवांस, 2,000 शादी के बाद और बाकी के वीजा के पेपर सबमिट होते हैं. अनाया शादी के 6 महीने तक तुम्हारे घर पर रहेगी और इन 6 महीने में तुमको लोगों को और गवर्नमेंट को कन्विंस कराना है कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे पति पत्नी हो और फिर और इस दौरान तुम्हारे खाने पीने का, नाचने गाने का, खेलने कूदने का सबका खर्चा मैं उठाऊंगा और कभी मेरे पास नहीं आओगे. अरे तो बहुत ज्यादा है यार. कम इन, कम. ये घर है, यहाँ हम रहेंगे. ये तुम्हारा कमरा है, अच्छा है ना? कम ऑन प्लीज. ये बड़ा वाला है, इसका बेड भी बड़ा है, यहाँ दो लोग आराम से सो सकते हैं. एक, ये रहा तुम्हारा एडवांस, गिन लो. हाँ, पैसों के मामले में हमेशा क्लियर कट रहना चाहिए और मैं तो हमेशा रहता ही हूँ. These are 1500 pounds. वो मेरी सैलरी नहीं आई ना, सैलरी आते ही दे दूंगा. और अब तो हम लोग होने वाले हस्बैंड वाइफ भी है. नकली सही, बट मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ यार. Listen dude, cut the crap.
एक एक पाउंड गिन कर लूंगी और अगर एक भी पाउंड कम हुआ ना तो हम तो होने वाले हस्बैंड वाइफ है ना तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड को किस कर सकती हूँ ना स्टॉप मेकिंग दैट पिगी फेस बेबी वो पाकिस्तानी ऑफिसर तुम्हारे बैकयार्ड में है याला इतना लंबा चुम्मा लेते होंगे अरे मिस्टर रवि भी आप यहाँ भी अल्लाह वाला है इसीलिए उसका बंदा दीवार पे चढ़ा वैसे भी हम हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों का रिलेशन अगल बगल का हैंगे मतलब हम नक्शे में भी आपके बगल में हैंगे और यहाँ यूके लंदन में भी आप ही के बगल में हैं मतलब ना वहाँ चैन से रहने देते हैं ना यहाँ रहने देंगे ऑफ कोर्स हैं मोहतरमा क्या बोला है ये तो मिलते हैं सर जी कल सर जी कल नो सर जी कल मतलब टुमारो हमारे जिगर उधर रहेंगे लेकिन नजर इधर रहेंगे गलत निगाह करते हैंगे नहीं नो सर वी लव ईच अदर सर खुदा हाफिज़ सो फाइनली यू गेटिंग मैरिड हां बड़ी कैंट है अजीब लग रहा कोई चॉइस नहीं थी यार चार साल से इस कंट्री में वर्किंग वीजा पे हूं वीजा एक्सपायर होते ही गोरे मुझे वापस भेज देंगे और मुझे ना इस कंट्री में सेटल होना इस शादी के अलावा और कोई चारा भी नहीं था अच्छा वैसे शादी कहाँ हो रही है मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में हो रही नहीं, है? नहीं मेरे पहले पापा ना पीके पटेल उनके यहाँ बारात आएगी और दूसरे पापा ओके पटेल उनके यहाँ से डोली उठेगी और मेरी दोनों मामी गरबा करेंगी अनायाम लिसन आई एम सॉरी यू नो आई डिडंट मीन टू हर्ट यू तो फिर ऐसी बातें करती क्यों है यार It's gonna be me, him and just the two of you. मम्मी पापा है नहीं कुकी चाचा को बुला नहीं सकता तो आएगा कौन ऊपर से नकली शादी में असली मेहमान कहाँ से लाऊं? और काके तू ना अभी इन मेहमानों को जानता नहीं है वो ये मेहमान यार एक अजीब टाइप की ब्रीड होते हैं तू ऐसा समझ ले मेहमान भगवान की तरह होते हैं वो इसीलिए तो कहते हैं अतिथि देवो भव है शाम डले ही खोल के बोतल पूछे कुछ नमकीन है वो चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा बन के मदारी तुझको फिर वो डमरू नाच न जाएगा देसी हो या चाहे विदेशी आ जाए फिर कैसा रेस्ट 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट सेज सजाई ख्वाबों की चाहत ही सनसनी की यार एक बुड्ढे ने एस्केलेटर में ना छाता घुसेर दिया किस गधे ने किया ये लो आ गया मेहमान बुड्ढे हुन आजा मैनु डर लगता है जी ये सीढ़ियां फिर से चल पड़नी है नहीं चलेगी मैंने छाता घुसेर दिया है आजा सर आई एम वार्निंग यू टेक आउट द अम्ब्रेला अरे पाए एक मिनट प्रॉब्लम कितने है आजा ना किसी अब है मेरे से नहीं होना अरे आजा कुछ नहीं होता कोठे ते आजा मैया सर टेक द अम्ब्रेला आउट नाउ अरे कोठे ते आजा हे शी मैन गुड्डी आजा बट आई डोंट नो दिस मैन Well, he knows you. He says it's your cha-cha-cha. Sir, ask him to remove the umbrella or I'm calling the police. No, police, please, now. Please, wait. Aja, goody, aja. Excuse me, uncle. काके ए काके काके की होया ए गुड्डी हाँ ये देख ये तो अपना काका है तो सबके जमा इतना बड़ा हो गया मैंने तो इतना सा देखा था इसको क्या देख रहा है तेरी चाची है गुड्डी चाची काके
बुड्ढी थोड़ी बुड्ढी हो गई है. गुड्डी चाची. नहीं अंकल, आप कौन और यहाँ कैसे? और नहीं पहचाना? गग गंगा शरण गणदोत्रा गग नहीं पहचाना? प्रॉब्लम कितने है पुत्र? कुकी चाचा बठिंडा वाला जानता है? हाँ, हाँ, कुकी चाचा. हाँ, तो कुकी चाचा के पड़ोसी हुआ करते थे. पड़ोसी तो है. पड़ोसी की एक बीवी थी बॉबी, याद आया? बॉबी, अरे गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी, मोहल्ले वाले उसको मलाई बोलते. मलाई. और सामने ही धोबी रहता था. करतार सिंह. करतार सिंह, गुड्डी नु याद है. और करतार सिंह पुत्र मलाई खा गया. ओ मलाई नु ले उड़ा भागा. हम उसके किराएदार है. हाँ. करतार सिंह के नहीं, मलाई के. मलाई के किराएदार है. कुकी चाचा के पड़ोसी के किराएदार. हूं याद आया. मैंने कहा ना, हिंदुस्तानी बंदा कहीं भी चला जाए अपनी जड़े नहीं भूलता. आज 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 ए सबा. दिस इज योर लास्ट चांस. आस्क हिम टू रिमूव द अम्ब्रेला नाउ. अंकल, चाचा जी, छाता आप निकाल लीजिए ना प्लीज. ये ले, उखाड़ दिया. मुझे थोड़ी अंदर छाता खोलना है. अब मैं ऊपर कैसे आऊंगी? तो ऊपर आके झंडे गाड़ने. हम नीचे आ रहे हैं. ओ सामान उठा और चल. कहाँ? घर. घर? हाँ, पुग्गी ने कहा था लंदन जाओगे तो काके से जरूर मिलना. बोले आ गए हम तो दिल खुश हो गया. आ जा. और दसो सब ठीक है? अरे लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब तक तो नहीं थे. चल जी. क्योंकि चाचा मेरे साथ ही है. सॉरी आपका फोन नहीं उठा पाया. नहीं, आपके पड़ोसी के किराएदार हैं तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा. पैर छुए मैंने? नहीं नहीं पुत्र, वो तो भूल गया. गुड्डी पैर दे. पैर दे गुड्डी. दो है ना, एक दे. जी छू लिया. नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसी है? ये कुछ ही दिनों की तो बात है. हाँ जी, मैं कॉल करता हूँ. बेटा इनका जरा पेट ठीक नहीं. तुसी भी ना. किन्नी बार काहे मूली के पराठे हजम नहीं होंगे. और दसो सब ठीक है? एक काके. महाराज आ गए भाई. काके पुत्र, जगह तो बड़ी सोनी है. काके, बगल में कोई ठेका वेका है कि? ठेका? छड़ो तुसी. अंदर चले ना चाचा जी. काके गल सुन पुत्र. देख बेटा, हम तुझ पे बोझ बनना नहीं चाहते. तू कहता है तो हम किसी होटल में रुक जाते. क्यों गुड्डी? आहो जी. बेटा जी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते ना. कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? तकलीफ थोड़ी है, गैर थोड़ी, पराये थोड़ी है. ये घर भी तो आप ही का है. जिंदा रहे पुत्र. लेकिन फिर भी अगर आप लोग होटल में रहना चाहते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? चपेट मारूंगा मुंह पे पैन. ओए चाचा चाची, ये तेरे कोई गैर है, पराया है? तू हक से रोक सकता है. क्यों गुड्डी? आहो जी. हक बनता है. तू रोक के दिखा और देख हम रुकते कि नहीं. कोई रोक रोक. रुक जाइए चाचा जी. रुक के इतनी सी बात? हम पंजाबियों का दिल दरिया होता है पुत्र. ऐवी बात करते रहते. चल पुत्र, तेरे नाल ही रहेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे. जी आपका बेडरूम है. पुत्र कमरा बड़ा छोटा है. एक काके. जी अलमारी बड़ी है. जहाँ ऐसी होता है. अरे अरे रहन दे बेटा, मैं कर लूंगी. ये सब औरतों के काम होते हैं. वो धुले नहीं गंदे कपड़े. तो धुल जाएंगे ना बाथरूम में. ये कमरे बड़े निक्के निक्के हैं. पलंग बड़े पोले पोले. अरे कुछ नहीं हुआ, सो जा. कमरा कट गई. सब ठीक? आर्यन! प्रॉब्लम कितना है? आर्यन!
मुझे लगा तुम लेट होगी। Not important. There's a man in my bedroom और वो मेरे बेड पे बैठ के। गुड्डी चाची, can you explain this? अजी, तुम्हारे अंकल के नेबर के किरायेदार। पर वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं? अरे होता है ना यार, इंडिया में गेस्ट ऑफ ऐसे ही कभी भी कहीं पे भी आ जाते हैं। पर तुम उनको जानते तक नहीं हो यार। बचपन में देखा है शायद, बट कुकी चाचा जानते हैं। ना मैं कुकी चाचा को अपसेट नहीं करना चाहता। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, वो मेरे बेडरूम में सो जाएंगे। अरे सीधे साधे बुजुर्ग लोग हैं, चार पांच दिन लंडन में घूम के चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम कितना है गुड्डी? छोड़ो जी, आपको क्या लगता है वो लड़की काके की बीवी है? बिना मुड़े पीछे देख, बिना मुड़े देखा, काके को आवाज दो। काके को की करना है, मैं हूँ ना। अल्लाह रहम करे, दूर जा रहे खामोश, चिल्ला चिल्ला के खुहार कर रही है। भाईजान हट जाओ, आपस का मामला है। अरे आप पड़ोसी के घर में जो, अरे चोर गुस्से का गुस्से बता। एक दरवाजा और है, वो दरवाजा लेकिन मेरे पास एक दीवार और है। अरे तेरी तो अल्लाह मदद, अब जो मदद हम भी मदद। ये कौन है? नूरे नजर जीरो फिगर, हमारी बीवी हैंगी। हैं? इतनी हसीन तेरी बीवी है, साले बीवी भी चुराता। नहीं 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 नहीं, चाचा जी नहीं नहीं नहीं, फिकर न कर, हम संभाल लेंगे, फिकर न सब संभाल लेंगे। सीज फायर, खुदा के वास्ते रहम कर, रास्ते रहम करिए। हम इनके पड़ोसी हैंगे। पड़ोसी है? नेबर, सामने वाले घर। नेबर? वो तो पड़ोसी है। हैंगे? फिर भी चोरी से घुसता है, पाकिस्तानी है। अल्लाह आपको कैसे मालूम? हरकतों से पता चल गया। चल आजा, अंदर आजा, चाय शाय पीते आजा। नहीं नहीं, हिंदुस्तानी पहले मारते हैंगे, बाद में मरहम लगा। अरे छुआ आजा, आजा पड़ोसी है, पड़ोसी आजा। और सब ठीक? अल्लाह। और ये कौन है? नेम? हारून हबीबुला। वी को हिम हैरी। नो हैरी, हारून। हारून तो अल्लाह का नाम है, मैं तो इसे हारून ही बुलाऊंगी। आप दोनों जनाब कौन हैंगे? ये मेरे चाचा चाची हैं, इंडिया से आए हैं। अंकल आंटी इंडिया। दावत निकाह में आए होंगे। किसकी दावत, किसका निकाह? इन दोनों का निकाह। काके, तो बड़ी गलत बात है बेटा। गुड्डी, ये दोनों शादी करने जा रहे हैं और ये बात हमको पाकिस्तानी घुसपैठिया बता रहे। मतलब इन्हें इल्मे निकाह नहीं होंगे? किल्मे? हमारी शादी के बारे में बताया कि नहीं बताया? इनको क्यों बताना है? अभी अभी मतलब सरप्राइज देना चाहते थे चाचा जी। चाचा चाची, हम दोनों 10 दिन में शादी कर रहे हैं। कुगी नु पता है? नहीं है? हाँ, पर वो आ नहीं सकते ना। हाँ, ऑपरेशन है। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग तो आ गए। सोनी कुड़ी है। ए जी, आशीर्वाद तो दो। मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता। क्यों? उसे कहो कपड़े पा के आए। चाचा जी पहने तो है। पूरे कपड़े पा के आए काके, निक्के निक्के कपड़े में सज्जे खब्बे हो जाता है आशीर्वाद, इधर उधर बिखर जाता है। हाँ, अनाया वो वाली ड्रेस ना एक बार पहन के आ जाओ ना, वो पूरे कपड़े थे उसमें। आशीर्वाद वाली ड्रेस है पूरी चाचा जी। बस बस अभी आ रही चाचा जी। गुड्डी, ये पाकिस्तानी पुत्र दे वास्ते चाय छाए बना। मैं कब से पुत्र हो गया? देख भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता बाप बेटे दा रिश्ता है, समझ गया जी? अभी चाय बनाती हूँ और कुछ मीठा भी लाती हूँ। चाय नहीं बन सकती? क्यों? वो चाचा जी दूध नहीं है ना। हाँ तो प्रॉब्लम कितने? ओए गुड्डी, वो बगल वाले पड़ोसी से दूध लेकर। चीनी भी नहीं है। कमाल करता है यार। ओए तेरा कोई पड़ोसी है?
मैं जो पहनती हूँ मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही पहनूंगी। अरे नायब नायब, अच्छा तो मुझे भी लगता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट दे आर ओल्ड फैशन पीपल और इंडिया में बहुएं बड़ों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनती। बहू किसकी बहू? ये शादी को तुम ज्यादा सीरियसली मत लो। के मैं कहां सीरियसली ले रहा हूँ, मैंने तो चाचा चाची को बताया तक नहीं था, वो उस हबीबी ने बोला। वैसे एक तरीके से अच्छा ही हुआ, अब चाचा चाची के चक्कर में सबको लग रहा है कि हम रियल मैरिज कर रहे हैं। थोड़ी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी एक्टिंग? ये थोड़ी ज्यादा एक्टिंग है, ये ओवर एक्टिंग है आर्यन। कुछ तो ढक लो यार। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नीचे सारे गेस्ट आए हैं। सारे? चाचा जी ने, चाची जी ने चार छह लोगों को चाय पे बुलाया। सारे ने बस। सोनी लग रही है, हैं? आइंदा निक्के निक्के कपड़े पहन के आए तो चाचा जी घर छोड़ के चले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस की है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। सुखीर सुखीर गुड्डी शुरुआत दे। ए लो, म्युनिसिपालिटी के नल से पानी आए ना आए इनकी आंखों से बहना शुरू हो जाए। कभी कभी तो मोहल्ले वाले बाल्टी लेकर आ जाते, थोड़ा और रो दीजिए गुड्डी जी, कपड़े धोने बाकी है। चुप हो जाओ जी। आजा बेटा आजा, सबके पैर छोए हमारे मेहता साहब है। जल्दी जल्दी बेटा, बुजुर्गों के पास टाइम बहुत कम होता है। खुश रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, और आप? Myself बोनी सिंह एंड दिस इज माय वाइफ पोनी सिंह। पोनी बोनी का पैकेट डील है, वो ले लो, आशीर्वाद ले लो। जिन जिनके पास पैर है सबके छुलो और जिनके पास हाथ है सब आशीर्वाद दे दो। फटाफट 10 दिन बाद मुंडे की शादी है, सबको आना है। मैरिज पार्टी आफ्टर 10 डेज मैरिज सेलिब्रेशन, कम एंड पार्टी हैविंग। लो जी पिन्या खाओ। अरे वाह वाह वाह, अरे पंजाब की खुशबू आ गई साहब घर में। आज देसी घ्यो दी है, तेरे प्यो दी है, इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। साहब आपकी मेरी बहुत बढ़िया जमेगी। अरे मेहता साहब, जमाने के लिए तो जाम शाम भी होना चाहिए। ये बात तो सही है। साड़ी पोनी नू पटियाला बड़ा पसंद है। और मैनू पटिंडा पसंद है। चाचा जी पटियाला पैग होंदा है? बटिंडा बॉटल होंदी है। ओए गुड्डी, ओ ऊपर से ड्यूटी फ्री वाली बॉटल लेकर। हां और काके कुछ ग्लास ग्लास लेके आ जा। और बेटी सुन, हरी ककड़ी, सफेद मूली, लाल टमाटर, गाजर सबको काट छाट के लेके आ। और कुछ चाहिए? पापड़ भी। पापड़ पनीर भी। पापड़ पनीर भी लेके आ। नमकीन नहीं लेंगे चाचा जी? नमकीन तो लगेगा ना, खोते दे पुत्र, नमकीन के बगैर शराब शराब नहीं लगती। चले क्या जा। और तेनू की चाहिए? कश्मीर। इस तो फनी यार, बहुत सही चाचा है तेरा भाई, बहुत सही। तुझे इतने सही लग रहे तो तू ही रख ले। बस बस इतने भी सही नहीं है। वैसे उनका यहाँ आना ना तेरे लिए भाई ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है। आजकल यूके की गवर्नमेंट शैम मैरिजेस पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। और चाचा जी के आ जाने से उस पाकिस्तानी कॉप को यकीन हो गया कि तुम लोग रियल मैरिज कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना शादी तक उन्हें यही रोक लेना चाहिए। ओए अपने बॉस कालिए को तो तू झेल ही लेता है। ओ यार उससे तो अच्छे ही है। मिस मी गाइस। हाय। ले आ गया। How are you doing, Louis? Welcome back from China, okay? I missed you. Big tea, guys, big tea. Big thanks. You know, today is a big day for SD, soft dogs. You know why? It's because we got the project from China. And Aaryan, you have to be ready with the presentation. Thank you so much, sir. You know, if you want to be an L, then you have to be like K. Only then you can be a C. Sir, L for? London. And K for? Kangaroo. Kalia. And of course, C is? True. Champion. Pian. Congratulations, A. I heard you're getting married to a B.I.B. A British Indian babe. yes, sir. Very good. It will give you a lifelong stay in UK. United Kingdom. You're getting it. Hello? 7,000 pounds kam nahi hote? Sherry's right. You need to buy the house. Aur kab tak apni taxi mein soyegi? Wow.
Amazing! Guys, this is IPG, Indian Punjabi Gobi. ये गोभी चाची जी ने बनाई है? नहीं सर। ये चाचा जी ने बनाया। Too good यार, too good. Stop eating. I want to know one thing. कि कोई आदमी इतनी अच्छी गोभी कैसे बना सकता है? सच्ची? हाँ? ये पकड़? अरे ये आदमी है या क्या है? अतिथि है सर। Very good. फिर इस अतिथि को हमारा अतिथि भी बनाओ। I would love to meet this चमत्कारी अतिथि। बॉस, ये जो तेरा अतिथि है ना, तेरे बहुत काम आने वाला। अच्छा भी लग रहा है, या ऐसे ही खाए जा रहे हो? चाची जी बहुत टेस्टी बना है, क्यों आ रहे हो? अरे, बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ, तुम भी चाची सर को सीख लो। ले, मैं कोई मास्टर दी शेफ हाँ? अरे चाची जी आप तो उससे भी बेटर हो लेकिन फिर उसके लिए आपको हमारे पास कुछ दिन और रुकना पड़ेगा ना अरे बट चाचा चाची कहाँ जा रहे हैं भाई हम मेहमान हैं कब तक रहेंगे चाची जी आपने सीरियसली अपने आप को मेहमान कहा चाचा जी देखिए चाची जी कैसी बातें कर रही है बराबर बोल रही है नहीं अगर आप लोग चले गए तो हमारी शादी में भांगड़ा कौन करेगा चाचा जी आपके बेटे की शादी हो रही थी तो आप नहीं रुकते काके दिल जीत लिया देख म्युनिसिपालिटी के नल में पानी आए ना आए इनकी आंखों से गंगा जमना शुरू हो जाती है कभी कभी तो मोहल्ले वाले बाल्टी लेके आ जाते हैं कि थोड़ा और रो दीजिए कपड़े धोने बाकी करो जी अरे शादी का बेटा तेरे पूरे घर को सेट करके जाएगा भाई मेरा तो हो गया बार 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 ये रात को राजमा इतना हजम नहीं होता है इनका जरा पेट खराब रहता है अरे इसके चाची जी इट्स नेचुरल गैस गैस वायु देखा हैं लंदन में रहके भी संस्कार नहीं बदले हैं अरे बुजुर्गों की बात तो बच्चों के लिए आशीर्वाद समान होती है तो मोहल्ले में बांट के आता I'm sorry, Anaya, मेरे चाचा चाची की वजह से तुम्हें I hate the way you take off your shoes. Sorry, मैं ध्यान रखूंगा. I hate the way you tie your pajamas. Sorry, And I hate the way you sleep. यहाँ नहीं सोगे तुम. तो? पर बेडरूम में क्या क्या चाचा चाची क्या सोचेंगे कुछ दिनों में हमारी शादी और हम ऐसे सोते हैं थोड़ी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना मैं भी यही सोच रहा था फिर सोचा कि तुम क्या सोचोगी तो सोचा कि सोचने का क्या फायदा मतलब बनाया और मैं एक ही बेडरूम में एक ही बेड में चाची I love you too much. चाचा जी ना जरा ओल्ड फैशन दे शादी से पहले लड़का लड़की एक कमरे में सोए उनको जरा और जल लगता है अच्छा और लड़की और लड़के की चाची एक कमरे में सो सकते हैं हाँ बिल्कुल सो सकते हैं पता है शादी के बाद 4 साल तक मैं अपने सास के साथ सोती थी और ये अपने बाबूजी के साथ ये सही है नींद नहीं आ रही मैं नहीं आ रही ये क्या कर रही हम चाची जी बेटा तेरे पैर को अपने पैर से बांध रही हूँ क्यों मुझे ना नींद में चलने की आदत अब जे मैं चली तो तू मुझे रोक लेगी चाचा जी का आइडिया है चंगा है ना अब सो जा
वाला बाला जैसे गुड़ की खीर है। शाम ढले ही खोल के बोतल पूछे कुछ नमकीन है। वो चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा। बन के मदारी तुझको फिर वो टपरू नाच न जाएगा। देसी हो या चाहे विदेशी आ जाए फिर कैसा रेस्ट। 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट। स्टेज सजाई ख्वाबों की मच्छरदानी लगा गया। चाहत थी एक सनसनी की वो भी थमा गया। नजर उतारती हूँ। पकड़ ले। आजा, दो मिनट लगेंगे। आजा प्लीज, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है, प्लीज समझिए ना। बेटा अभी टाइम नहीं लगेगा, बस दो मिनट। ये क्या कर रहे हो आप? नजर उतार रही हूँ इसकी। सीधा पकड़, अच्छे से पकड़। अरे बाबा, हो गया, बस हो गया। ओ गॉड, क्या हुआ? ओ गॉड, इसने मेरे ऊपर सुसू कर दिया। सुसू नहीं बेटा, पॉटी की है। पॉटी नहीं सुसू किया, सामने देखिए। सामने नहीं बेटा, पीछे देख, पॉटी की है। आपको पता था ये पॉटी करने वाला है? और नहीं तो की, इसलिए तो नजर उतारी। कोई नहीं बेटा, ला देख तू, अभी जल्दी मम्मी बन जाएगी। हा? इसे मुझे दे दे। आजा बच्चा, आजा। हमारे इंडिया में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और उनकी सुसु प्रसाद मानी जाती है, तो ना आशीर्वाद की तरह लो और खाओ। अच्छा, तुम ही खाओ ये आशीर्वाद और प्रसाद, मुझे नहीं चाहिए। उस बच्चे से जान मुझ के मेरे ऊपर सुसु करवाया। He showed all over my brand new dress. I'm still stinking. तुम्हारा बच्चा जब तुम पे सुसु करेगा तब क्या करोगी? मेरे ऊपर क्यों, तुम करवाना अपने ऊपर। बच्चों को संभालना माँ का काम होता है। What about बाप? वो क्या करेगा? बाप बच्चों की पिटाई करेगा। ए, don't you dare hit my kids. पीटूंगा, नंगा करके पीटूंगा, रोक के दिखाना। तुम हाथ तो लगा के दिखाओ उनको। हाथ हटा। बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? तुम लोगों की फेक मैरिज हो रही है, रियल मैरिज नहीं हो रही है। इसको बार बार कौन लाता है? ओ देख यार आर्यन, ओ यार तुम दोनों ऐसे असली में लड़ते रहोगे ना, असली शादी करानी पड़ जाएगी तुम्हें। तीन दिन बचे हैं, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आई एम सॉरी टू। तो फिर दो दिन बाद मिलते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। मम्मी, साउंड्स गुड, बट शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, गुरुद्वारे में होगी। सच चाचा चाची चाहते हैं। तेरे चाचा चाची की तो मैं इंस्ट्रूमेंट बना रही हूँ। Yeah.
say. शादी करके बहुत बड़ी गलती कर he's absolutely right. Marriage is a waste of time and money. क्या बात कोई आ जाए झप्पी पाले ओ भाई साहब अब लड़के वालों की तरफ है और लड़की वालों की तरफ नहीं मेरे बॉस है चाचा जी बॉस भाई साहब क्या बात कोई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी कर शादी नहीं करनी चाहिए ये सपना मैंने सजाया जच रहा है पता है जब मेरी शादी हुई थी पलंग भी नहीं था मंजी थी मंजी समझती है खटिया खट कॉट कॉट हाँ, तो इनके बैठते ही वो टूट गई तो हम सारी रात जमीन पे बैठ के ही बातें करते रहे बेटा साथ ना रहने के बहुत सारे बहाने बन जाते हैं पर साथ रहने का बस एक बहाना बहुत है पता है क्या पुत्र तो क्या अंग्रेजों की तरह पी रहा है अरे पंजाबियों की तरह पी चल बम चक दे बेटा साहब बम चक दे मींस बॉटम अप बोल रहे हैं ये राइट चाचा जी ओ आज हम सब ओ बम चक्के पियेंगे 1 2 3 अरे पसूड़ी पै गई काके ने शादी करके गलती कर दी छे छे I agree. एक बात बताओ भाई वो तुसी टेंट वाले हो कि बैंड वाले वाले अरे ये आर्यन की बॉस है ना बॉस अरे मैंनू सब पता है कौन क्या है वो तुझे क्या लगता है मैंनू चढ़ गई है हैं मैंनू चढ़ गई है अरे चढ़ गई है चाचा जी है जबरदस्ती भारी सो जाता वो होना चाहिए था नीचे बहुत बॉटम्स अप वगैरह बहुत
सब अच्छा है। यस अरे असली है सब सब सच है। शादी भी सच थी तुम भी सच। अरे यार कैसे बातें सच अरे होठ सच तुम की पूरी सच पर सच सच बात तो एक पता ही नहीं कि सच क्या है। सच बोलू तो मुझे भी नहीं पता कि सच में सच क्या क्योंकि सच तो कुछ है ही नहीं सिवाय एक सच के तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच्ची लगती काश ये रिश्ता सच्चा होता ना अच्छा होता। काके गुड्डी काका उठ गया काका को चाय दे और मुझे नाश्ता दे दे। हाँ जी अभी लाई। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। पता है किसकी है? चाची जी ने खीर बनाई है। खीर तो बनी है पुत्र पर मैं नहीं बनाई। मुझे बनानी नहीं आती। चाची जी ने सिखाई है तो अगर खराब बनी है तो पहले से सॉरी। बहुत अच्छी बनी है। क्या बनाया? एक खीर है? अमृत है? अमृत बनाया है? मैं भी डरा दिया बच्ची को। चली घोड़ा मम्मी की याद आ गई। आजा 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 पुत्र इतने आजा जा बेटा जा। अरे नहीं बेटा जब बहू पहली बार किचन में जाती है और बिना जलाए खाना बनाती है तो शगुन देते हैं। ठीक है चाचा जी यहाँ नोट नहीं पाउंड चलते हैं। चुप रहे पाउंड के पुत्र ये शगुन है ये सब जगह चलता है। अरे तो गुड्डी को सोने का क्या करना है उसका सोने का टाइम हो गया। तुझे खीर खाओ जी। मैं लेकर आ सारी नहीं खत्म हो गई। ये घर अब तेरा हुआ और तेरा भाग इस घर का। ब्रिज को क्या कहते हैं? लंदन ब्रिज। मुझे भी यही लगता था फिर पता चला जिसे हम लंदन ब्रिज समझते हैं वो एक्चुअली टावर ब्रिज है। मामा पापा के डिवोर्स के बाद पापा ने मुझे मामा के पास छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मामा ने भी दूसरी शादी कर ली लेकिन वो मुझे किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी तो यूं ही छोड़ दिया। I was 17. तब से 6 सालों में रेस्टोरेंट में काम किया पढ़ाई करी टैक्सी चलाई और
फिर तुम मिले, पैसे लेके शादी करो और छोड़ दो। मुझे लगा था छोटी नई लाइफ है, तुम्हारे साथ रहते रहते पता चला कि साथ रहना जिंदगी है। क्या हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? तेरे बिना तड़पे ये, तेरे संग धड़के ये, ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए ही नहीं, सॉफ्ट डॉग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लुई, आई डोंट वांट एनी डीज, एनी सीज और एनी एम्स। नो डिस्टरबेंसेस, नो कॉल्स एंड नो मीटिंग्स। ओए महाराज जी, जय हो। चाचा जी, कल ये महाराज जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जय हो। थोड़ी गपशप कर लूं और दसो तो ठीक है। एवरीथिंग्स फाइन चाचा जी। गाइस गाइस, दिस इज चाचा जी, अ वंडरफुल मैन, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ कल्चर। टुमारो इन द ऑफिस पार्टी, चाचा जी इज गोइंग टू बी आर एस जी, आवर स्पेशल गेस्ट। चाचा जी, पार्टी में आपको आना है। हाँ जी, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे जी। और कालिया साहब, बड़ा चंगा ऑफिस बनाया है, है? दबा दबा के खर्चा किया है। आफ्टर ऑल कंपनी का ऑफिस है चाचा जी। किस कंपनी का है जी? जिस कंपनी में हम काम करते हैं, एस डी, सॉफ्ट डॉग्स। सॉफ्ट डॉग, पोला कुत्ता। हाँ, भोगता नहीं है, खाली चाटता है, पोला कुत्ता। पोला कुत्ता, पोला कुत्ता जी, 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 जी। चाचा जी, ये मेरी टीम है, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बड़ी बड़ी टीम है कालिया साहब, बहुत काम करते हैं ये लोग। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? चाचा जी, आई एम द बॉस। हाँ, काम क्या करते हैं? चाचा जी, मैं बॉस हूँ। अरे बॉस दी मादी सिरी कालिया साहब, काम दसो काम। अरे बॉस का काम बॉस, वी आर गेटिंग लेट फॉर द प्रेजेंटेशन, वी शुड गो। चाचा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ तो प्रॉब्लम कितने, मैं फुर्सत में हूँ पुत्र, जाके आओ, जाके आओ। ओके लुई, प्लीज टेक केयर ऑफ चाचा जी। He's special, just like you. Okay, Chacha Ji, see you. Chinese? Yeah, China. Whore, daso? Sab theek hai? Whore? You call me a whore. Whore. You are the whore. No, first you whore daso, baad mein main whore daso. I'm not a whore, 你在说什么啊你? 太过分了，我是女孩子呀，你不可以这样啊！太过分了。干嘛了？पानी तक नहीं पहुंचा चले गए।
इंजेक्शन लगाना ही भूल गए। I am really pissed. Sir, try and understand. What do you mean understand? This is bad work. Sir, कालिया साहब, वो सब ठीक है? Of course, sir. सब ठीक है। तुसी पानी पी लो। पानी पी लो, ठंडे हो जाओ। Hey, you have to understand. The company is called Soft Dogs. Don't be a soft dog. All right? K is L and L is K. सर ये डिस्पेंसर तो शॉक मार रहा था, आपने सिर्फ पानी क्यों निकाला है? इसीलिए तो इसका कनेक्शन निकाला हुआ था। कनेक्शन लगाया काके मर गए। न सो रहे हो न सोने दे रहे हो, 12 बज गए। बहुत बड़ी गलती हो गई है गुड्डी, पाप हो गया। बॉस जैसे चंगे बंदे कब में तंदूरी चिकन बनाती है। जब तक मैं बॉस तुम सॉरी नहीं कहता मेरे नींद नहीं आएगी। देखो जी, आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ लेकिन गलती तो हो गई है ना, ना कनेक्शन लगाता ना बॉस का भरता हो जाता। नहीं नहीं, मैंने नींद नहीं आएगी। तो क्या आधी रात को जाके सॉरी बोलोगे? आधी रात को जाके मैं पूरा सॉरी बोल के आना। थोड़ा दिमाग खराब हो गया, सवेरा नहीं होना है तब जाके बोलना सॉरी। गुड्डी ये हुई ना गल। अरे तू बड़ी ट्यूबलाइट है, कल बॉस ने मैनू पार्टी विच बुलाया है स्पेशल गेस्ट, तो पार्टी में जाके स्पेशली टाइम लेके लंबा सा सॉरी बोल को। प्लीज 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 कम 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 कम, यू आर ऑलरेडी लेट। प्लीज 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 गो रश, टेक केयर ऑफ द गेस्ट। यस ओ मिस्टर कालिया, कैसे आप? सुना था आपको कल ऑफिस में शॉक बहुत बड़ा लगा। ओ हेलो। नहीं 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 नहीं, वो कोई गधे का बच्चा है, उसने ना वो कनेक्शन वो मेरे को मिल गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वोंट लीव हिम। साहब कालिया साहब, चाचा जी, वेलकम 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 वेलकम। ओह थैंक यू। ओ जी थैंक यू नहीं कालिया महाराज, तुसी माफी दे दो। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कालिया। अरे चाचा जी किस बात के लिए? वो हम लेट हो गए ना आने में, इसलिए चाचा जी सॉरी कह रहे हैं। इसलिए चाचा जी इज फीलिंग वेरी गिल्टी। बहुत अमेजिंग चाचा जी, अमेजिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज चाचा जी फ्रॉम इंडिया, अमेजिंग मैन फुल ऑफ कल्चर। इन फैक्ट ही इज इंडिया। जी वो सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मैं माफ कर दूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। I'm really sorry. Okay, चाचा जी, okay, कर दिया, माफ कर दिया। खुश, हैप्पी, alright? आर्यन ने काम करो ना, चाचा जी को ड्रिंक पिलाओ, हाँ, please take care of them. I'll see you in a bit, हाँ, मेरे को एक काम। अरे बहुत गलत तो सुनो, माफ कर दिया ना बॉस जी ने, अब तो हैप्पी। बॉस ने माफ कर दिया, लेकिन किस बात के लिए माफ किया बॉस को पता नहीं है ना। Nice dress. Thank you. Well, you can thank me in a better way. I don't understand. Me? You're old enough to understand. Chacha ji, kuch chahiye? Maafi chahiye. I'm sorry, boss. I'm really sorry. De di, chacha ji, de di. Nahi ji, boss, samjhe nahi aap. I'm sorry. Chacha ji, maine aapko maaf kar diya. Aap pizza ki party enjoy kare. Aap samjhe nahi ho ji. Mainu maaf kar do, main sorry. Chacha ji, main samajh gaya. Aap mujhe maaf karo. Nahi, nahi, nahi. आप मुझे माफ, मैं आपको माफ। चाचा जी समझने की कोशिश करिए, मैं लुई से बात कर रहा हूं। लुई तो गई है जी, तो आप भी जाइए, मुझे माफ करिए। ओए बॉस,
सॉरी कह कह के दिमाग खराब कर रखा है। आ बेवकूफ इंडियन। आता है बियर पीने के बाद पेशाब बड़ा जोरों से आता है। ओए तुझे लगे वो बहुत रोको नहीं बहने तो बहने। जब पेशाब रोकने से पथरी हो जाती है। चाचा जी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, प्लीज आप मुझे माफ कर। माफी तो आपको मुझे देनी। अच्छा मत चीजिए, कल की बात के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ। अरे पर चाचा जी आपने ऐसा क्या किया है जो मैं आपको माफ कर दूँ? कल जब आपने ऑफिस में पानी की मशीन की टूटी। एक मिनट कालिया साहब, पेंट पे गिरा पानी और फिसली हुई जवानी बड़ा बदनाम करती है, समझे? I'm so sorry. What you dry cleaning kar rahe? Enjoy yourself. No, Marsh, that's not what it is. Kya kar rahe hai chacha ji? Mama, this is not what it is. Are bahut pent ke liye. Aaryan. I need to speak to you. Yes, boss. Ye na tum apne chacha ji ko sambhalo. I am sorry. बोल के ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पीछे पड़ गए, पागल कर देंगे यार मेरे को। I am very sorry sir. Very sorry sir. No, sorry. जी yes sorry, मैं भी sorry. अरे please अब मेरे को ना कोई I am sorry नहीं बोलेगा, समझ में आया? कोई नहीं बोलेगा। और ये चाचा जी को संभालो। जी ओके जी। I am sorry. जी मैं दिल से sorry हूँ। Really sorry. चाचा जी बहुत शर्मिंदा हूँ जी। मैंने क्या बिगड़ा? सॉरी कोई जम्मा सॉरी। ओ बॉस तुसी किधर जा रहे हो? क्या सिया का पा रखा है? क्या करना चाहते हो आप? अरे गलती हो गई है गुड्डी, माफी तो मांगनी चाहिए ना। चाचा जी आपसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गलती हुई है पुत्र, मशीन का कनेक्शन मैंने लगाया। धीरे बोलिए चाचा जी, कोई सुन लेगा। प्लीज। हाय केविन। हाय केविन, मीट माय वाइफ। हाय हाय प्लेजर। माय चाची। हेलो जी। हेलो जी। एंड माय चाचा। चाबा चाबा। Louis, listen to me. Louis, listen. Why are you going? Why are you going? Come on. Please, I'm really uncomfortable. Okay, please. kiss me. Come on. Stop me, please. Kiss me. Kiss me. Please stop me. Hey. I'm sorry. आपको कहा ना मैंने आपको माफ कर दिया, प्लीज। बॉस ये पहली बार वाला सॉरी नहीं है, इस बार वाला है जी। इस बार के लिए इसलिए क्योंकि ये आप जो कर रहे हैं ना इस लड़की के साथ गलत है, वो मैं होने नहीं दूंगा, इसके लिए सॉरी। आप मुझे समझाएंगे? तेरी सॉरी की ऐसी की तैसी। हटो जी, की होया जी? तुसी ठीक तो हो ना? की होया? तुसी ठीक हो ना? कुछ नहीं, पैर फिसल गया था गुड्डी। पैर फिसल गया था। आर्यन, इसे कैसे पैर फिसल गया? What happened kid? All good? अरे लेके जाओ इस बुड्ढे को। औकात है नहीं, फोकट में दारू पी के लड़की चेड़ा था। बदतमीज इंसान। हाय रब्बा, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे चलो जी, तू सी यार मैं इधर नहीं रहना है। गुड्डी गल सुन, गल सुन ली आप मेरी गल कर रहा। काली महाराज तुसी वड्डे आदमी हो, ऐसे छोटे गल ना कर, शोभा नहीं देता। लड़की थोड़े ऑफिस विच काम कर दी है और बाप की जायदाद समझता है, जबरदस्ती करे? उसी मर्द है तो कुड़ी नु पटा के दिखाना, और जबरदस्ती करेगा तो देश का नाम खराब होता है, लड़के की इज्जत खराब होती है, और ये तो चाइना की है, जल्दी खराब हो जाएगी। प्यार नाल कर, जबरदस्ती ला कर, बल से किया हुआ काम बलात्कार होता है, और बलात्कार तो मैं तेनु करने नहीं दूंगा। बकवास कर रहा है ये आदमी, he's lying. चलो हो गया ना, सॉरी बोल दिया, चलो तू यहाँ से बस। एक मिनट रुकिए। ओए बॉस, आखिरी बार सॉरी, वो भी पहली बार के लिए, इस बार के लिए नहीं। तेरी ऑफिस में पानी के मशीन का कनेक्शन मैंने लगाया, तो डाटा तंदूरी चिकन मैंने बनाया,
इसलिए मैं माफी मांगना है। लेकिन तेरी हरकत देख के लगता है तू माफी के काबिल ही नहीं, इसलिए जितने सॉरी थे वो सब मैं वापस ले लेता। ठीक है? You bastard! Relax, के। Relax. Aaryan? Relax. Aaryan, move your hand. Relax. ये महंगा पड़ जाएगा आर्यन, हाथ हटाओ। आर्यन, आर्यन, he's not worth our time. हाँ, listen to her. महंगा पड़ेगा, हाथ हटा ले, अभी बोल रहा हूँ। हाथ हटा। समझ नहीं आता? चल चल। चल। अरे लेके जाओ इनको कोई। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। Idiots. आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। Aaryan, you are highly underestimating me. चुपचाप से ये resignation letter sign करो, otherwise मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला ना, तुम्हारी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो सकती है। सर, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सवाल तुम्हें कल रात पार्टी में पूछना चाहिए था खुद से, जब अपने चाचा के लिए मुझसे पंगा लिया। यू नो, तुम सारे इंडियंस की प्रॉब्लम ही ये है। लंदन में आके भी लंदन के नहीं हो सकते। चार साल से मेरे नीचे काम कर रहे हो और उस बुड्ढे को आए दो दिन हुए हैं और उसके लिए मुझसे पंगा। उस बुड्ढे की ना मैं मार दे देना। सर, उनको गाली देके क्या मिलेगा? चाचा जी हमेशा के लिए तो नहीं आए, दो चार दिन में चले जाएंगे बस, और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज सर। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ये रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंक देता हूं। अभी जाओ और उस बुड्ढे को निकाल दो। सिंपल है। सर, सर ऐसे कैसे निकाल दूं? क्यों, क्या लगता है तुम्हारा? बाप, देखो अपनी नौकरी बचानी है ना, तो अभी के अभी बुड्ढे को घर से निकालो, वरना एक महीने में जॉब से क्या, मैं तुम्हें लंदन से निकाल दूंगा, समझे? नहीं जाने देना मैंने आपको, कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रॉब्लम कितने गुड्डी, मैं जाके फटाफट सेट कर देना है। देखो जी, पहले ही आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब और पंगा मत डालो। वही पंगा पै जाना है, बात कर। नहीं जाने दूंगी मैं आपको। क्या हो गया? ये फिर काके के ऑफिस जा रहे हैं उस काली को सॉरी बोलने। ओ गॉड, चाचा जी आपने कल रात को उसको इतनी बार हम सॉरी बोला है ना कि अगले 7 जन्मों तक हम सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दसो, इसीलिए सॉरी बोलना है मुझे, काके दी चिंता। काके दी चिंता? चाचा जी आप समझ, मेरी चिंता है तो एक काम करेंगे। हाँ बोल बोल बोल, काके की करना है बोल, बता। मेरे बॉस से बात करेंगे। हाँ अभी फोन पे सॉरी बोल देता हूँ, फिर घर जाके पर्सनली सॉरी बोल दूंगा। नहीं नहीं सॉरी नहीं। हाँ। उसे 15-20 पंजाबियों वाली मोटी मोटी गालियां बकिए। तेरी गालियां? हेलो बॉस। हेलो, अरे दीजिए दीजिए। हाँ कालिए बॉस, और दसो ठीक है? मैं चाचा जी बात कर रहा हूँ। चाचा जी, आपकी तारीफ में चंद अल्फाज कहने दो, मैं भूल गया था, अभी बता दूं? ओके ओके ओके, एक सेकंड चाचा जी। गाइस प्लीज गेट अप, गेट अप, गेट अप। टुडे इज अ प्राउड डे फॉर एसडी, द ओल्ड मैन हु इंसल्टेड मी इन द पार्टी यस्टरडे, वो मेरी तारीफ में कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं। आई विल पुट हिम ऑन स्पीकर। हाँ चाचा जी बोलिए। ओ मैंने सोचा तू बंदा शरीफ है, लेकिन तू तो इंडिया का नवाज शरीफ निकला। है? तेरे लिए काम करते करते लोगों का पसीना निकला और तू तो बहुत बड़ा कमीना निकला। What? तो बोला था तू इज्जत देगा, लेकिन क्या पता तू साला हमारे भी ले लेगा। अरे शर्म है तो याद कर अपने वादे, कुत्ते कमीने सूअर के प्यादे। अरे तू शैतान की औलाद है, गधे का भतीजा है, अपने माँ बाप की गलती का नतीजा है। पागल हो गया क्या? अरे चिपकली के अंडे, कुत्ते दा भूत, और कालिये तेरी माँ दी। आई विल किल यू। तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे ताऊ की, चाची की, पूरे खानदान दी। चाचा व्हाट व्हाट, ये नौकरी छोड़ा है? नहीं वो मैं, वैसे भी नौकरी किसको करनी है चाचा जी,
आप देखना, मैं खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा एक, जल्दी कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। जॉब ढूंढना ही था तो छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं, निकाल दिया मुझे। अफसोस हो रहा है? नहीं, बट थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था। वो चाचा जी ने जो किया ठीक किया, पर मैं भी एक टिपिकल हिंदुस्तानी की तरह उस कालिए से भिड़ गया। But that's what I love about you. नहीं, बट what but? कोई मेरे साथ ऐसे करता तब भी तुम बट करते? मैं उसका बट तोड़ देता। अच्छा जी, मैं नहीं मानती। तो मत मानो, बट कॉफी में क्या डाला है? वायग्रा। हाँ? वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, सोचा इससे कुछ हो जाए। You know what? What? It's working. Really? ये क्या कर रही है? चाची? चाची जी? चाची? तुरा भी मुलाता। काके, पर काके गल सुन, वो तेरी चाची यहाँ पे आई है? ए, फिर से नींद में चल के आ गई। ओए गुड्डी, गुड्डी सुन, दरवाजा बंद कर देता हूँ नहीं तो फिर से उठ के चली जाएगी। पाकिस्तान की शान, निशाने पाकिस्तान, अब तो तुम अपने अब्बू को बताओगे कि पड़ोस में कैसे दाखिल होते हैंगे। सारे कपड़े मेरे से तो भाई समझ में नहीं है। से हम आपके लिए लाए हैंगे। इनकी अम्मी और हमारी बेगम काम पे गई हैंगी और हारून को संभालना है। अल्लाह कितनी समझदार हैंगी यार। तो ये लीजिए इसकी चुस्नी जी, और ये रहा इसका बॉटल। और दूध तो घर में है। हम शर्मिंदा हैंगे। हारून, अब्बा भी जाएंगे, बकरा कटवा के लाएंगे, फिर कीमा कलेजी खाएंगे। अल्लाह आपको अति शीघ्र जन्नत बख्शे। चल कन्हैया है ये, बस रंग थोड़ा सा दब गया है। कोई नहीं, आज मैंने तेरे को गोरा कर देना है। पहले तेल से अच्छे से मालिश करूंगी और फिर अरे बाबा क्या ऐसा मसाज हारून का? तेरी माँ ने किया होता, अच्छे से नहलाया होता तो तेरा रंग अंग्रेजों जैसे हो जाना था। अब तो मैं तेरे को मलाई लगा के नहलाऊंगी। ए देखो ओह माय गॉड, व्हाट इज शी डूइंग? आ जाओ। हेलो 999, प्लीज, there's a lady outside my house. I think she's killing this baby. She must be a baby killer. The baby down. Stop it. Stop it. Please. Stop. Put the baby down. Stand back. Stand back. Give me the baby. Sir, abhi uski malish honi hai. Abhi malai laga ke usko nehlaungi na, Arun. Give me the baby. Aise kaise kisi ka bachcha de do? Tere apne bachche nahi hai kya? Can you speak English? Yes. Yeah? Good morning. Good evening. Bye bye. Okay, tata. Oh yeah. Stand back. Stand back. What's going on? Give me the baby, or I will shoot you. Bhai, inhone to goli maar deni hai. Chal. Don't try and hide. You are surrounded by Metropolitan Police. Put down the baby now. Baby killer. She's trying to kill your baby. My baby. Oh, tata ji, keh rahi ki aap iske bachche ko maar daloge. Hi, get back. Give
me the baby or I will shoot. Give me the baby. Can you shoot this woman, please? Give me my baby. क्या हुआ वेस्ट इंडीज में अचार गई क्या भाई साहब आर्यन बोलो ना इनको जरा आप हाँ आई गिव इट टू हर यू गेव हर द बेबी आई विल किल यू बोथ आई विल किल यू स्टॉप इट आई विल शूट यू काके पुत्तर गिव मी द बेबी और आई विल शूट यू नो 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 वेट स्टॉप 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 डोंट शूट व्हाट हैपेंड शी इज अ बेबी किलर शी हैज बीन ट्राइंग टू किल हर बेबी यस चाची जी ये क्या बोल रही है बेटा ये रो रहा है ना तो इसकी मालिश कर रही थी बेटा बस रो रहा था ना वन सेकंड आप पहले बेबी मुझे ठंडे 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 हियर हियर योर बेबी ऑलराइट द बेबी इज हियर नो बेबी एक सेकंड ऑफिसर One second. I think there's some sort of confusion. She was only giving the baby a massage. That was an Indian style massage. A massage? Yeah. Holding the baby like this? Like this, matlab? Beta, wo saans ke liye na bahut acha rehta, beta. She was doing that because it helps the baby breathe and digest. It's just an Indian style massage. You gotta be kidding. Sorry. I don't believe this. अरे रिलैक्स अनाया चाची ने सिर्फ मालिश की थी बच्चे की मर्डर थोड़ी किया वो मर्डर ही था कोई ऐसे उल्टा लटका के बच्चे की मालिश करता है क्या दैट वुमन कुड हैव सूड अस अरे पंजाब में बच्चों की मालिश ऐसी होती है ऐसे बच्चे बड़े होके पहलवान बनते हैं मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने बच्चे की मालिश ना चाची जी से करवाना प्लीज Are you serious? तुम्हारे बच्चे होने तक कोई यही रहने वाले हैं क्या इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं अरे एक बात बताओ तुमने मेरा ट्रिमर देखा क्या तुझे शेव करना है यार तुम्हें तुम्हारी ट्रिमर की पड़ी है मेरी जींस नहीं मिल रही है इधर चाचा चाची आए हैं ना तब से घर में हर चीज चाचा जी मेरे ट्रिमर से क्या कर रहे हैं आप बगल साफ कर अरे पर ये शेव करने के लिए तो शेव ही तो कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास हो गया ले अब तू कर इसका मैं क्या करूंगा तू जब तो मैं कर रहा था तू भी कर रहे नहीं, 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 चाचा जी आपको अच्छा लगा हा? आप रख लीजिए काके ने मेनू इम्पोर्टेड गिफ्ट दिए ये वाह पुत्र थैंक यू बेटा ये कपड़े हैं कपड़े वो बहू की जीन फट गई थी ना वो सिल दी सिल दी हाँ बेटा खुश हो जाएगी खुशी के मारे उछल पड़ी आप खाइए आप खाइए पिनिया खा लो पिनिया हाँ पिनिया खा लो पिनिया खा लो ये लो ये लो सारे घर में पंजाब की खुशबू बह गई वाह वाह जी ये पंजाब की खुशबू नहीं फैली है कि हाँ चाचा जी साइलेंटली पाद मार रहे हैं क्या जी सॉरी उनका जरा पेट खराब रहता है अरे सॉरी कह रही क्या बात है पाद ही तो मारा है कोई बम फूट पड़ा है देखा गुड्डी ये पाद शाद हमको सब बुजुर्गों से विरासत में मिला है अरे पाद मारा है तो क्यों है शर्मिंदा जो पाद रहा है वही तो है जिंदा बात है क्या बात है मैं तो रहा मैंने भी पाद के ऊपर गजल लिखी है वाह क्या बात है तो हो जाए अरे क्या हो जाए जाम शाम के बगैर सुनाने का मजा भी तो नहीं वो तो सही है चाचा जी वो आपने लख रुपए की गल की है जाम तो चाहिए हाँ गुड्डे हाँ जी और ड्यूटी फ्री वाली बोतल निकाल और काके सात आठ मोटी मोटी मूली पांच छह लाल लाल टमाटर सात आठ गाजर पनीर पापड़ नमकीन सब लेकर आता हूँ चाचा जी गिलास कौन लाएगा खोते दे पुत्र क्या क्या मैं तुम्हारे घर की मेड हूँ मैं बहू गाजर काट दे बहू मूली काट दे उन्हें ना काट दूँ काके पापड़ लेकर अरे वो पनीर मिलेगा अरे नमकीन के बिना चलेगा कैसे हिट दिस बहू एंड काके पंजाब में ना बेटे को काके बोलते हैं और उसकी बीवी को बहू बोलते हैं। आई एम नॉट ए बहू बहू लाई हेलो कभी आवाज कभी विदाउट ये आवाज होता है वाह 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 कभी आवाज कभी विदाउट ये आवाज होता है हर एक पाद का एक खास ही अंदाज होता है अल्लाह
कभी पूपा कभी धड़ाम होता है, कभी चुपके कभी सरेआम होता है। होता है भाई, होता है, अक्सर होता है ऐसे। समटाइम साइलेंट समटाइम वॉलेंट। कोई दिलकश हसीना छोड़े तो गुलाब खिल जाए। ओ बेबी थोड़े वास्ते है। कोई दिलकश हसीना छोड़े तो गुलाब खिल जाए, हमारी पाद से तो लोगों के दिमाग हिल जाए। When you fart, it smell like a rose. When she fart, drain clothes. अकेले हम कहाँ जहाँ पादता है, अकेले हम कहाँ जहाँ पादता है, पादने के लिए इंसान तो आजाद रहा। कहीं पप्पू पादते हैं, कहीं टोमी पादते हैं, कहीं कोमे पादती है, कहीं कोमी पादती। टैक्स नहीं है पादने पे, सब निशुल्क पाद रहे हैं, कहीं तो पूरे के पूरे मुल्क पाद रहे हैं। अमेरिका ने इराक पे पादा तो ओसामा ने अमेरिका पे पाद दिया, न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद किया। और पाकिस्तान तो हल्के हल्के छोड़ता ही रहता है, हौले हौले फुस्सी वाले फोड़ता ही रहता है। अरे बाकी सबके गिले तो बात के हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे अपने ही पादते हैं। अभिनेताओं के पाद तो रिट्वीट होते हैं, उन्हें तो लाइक मिलते हैं, उन्हें तो लाइक मिलते हैं। नेताओं को पादने को माइक मिलते हैं, उन्हें तो माइक मिलते हैं, उन्हें तो माइक मिलते हैं। हमारी पाद के शोले तो बस नाक जलाते हैं, उनके पाद के छर्रे आत्मा हिलाते हैं। अल्लाह। रिश्तों की महक भी ले उड़े पाद। वाह क्या बात। रिश्तों की महक भी ले उड़े पाद। वाह वाह वाह। अब बाप पैदा हो रहे हैं बेटों के बाद। यस 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 यस। ओ जी मेहता साहब नहीं है तो मेहता जी गुजर गए। He died. कब हुआ है? कल देर रात उनको अटैक पड़ा और बेचारे खत्म हो गए। सुबह मेड गई, उसने देखा तो उसने हमें बताया। बच्चे तो फैमिली में है ना। ये, 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 कमाल है। मेहता साहब जरा धीरे धीरे हंसो जी, धीरे। चाचा जी हा? मैं तो हंसते हंसते ही मर जाना चाहता हूँ। और तो प्रॉब्लम की थे, जोर से हंसो। ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? ओ भाई अर्थी मंगाओ, अर्थी में सजा के लेके जाएंगे इनको। अरे मेहता साहब को देखो हंस रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई जोक सुनते सुनते उनको हार्ट अटैक पड़ा। एक्सक्यूज मी, हमें देर हो रही है। अरे मेहता साहब को कौन सी ट्रेन पकड़नी है पाई जो देर होगी, तो गए। हमको जाना है ऑफिस जी। आपकी तारीफ। हाँ, ये लखते जिगर मेहता साहब के बेटे हैंगे, ये नूरे नजर पोते हैंगे, और ये बिल्कुल बेखबर पर पोते हैंगे इनके। महाराज आप ऑफिस जाओगे तो बाप का अंतिम संस्कार कब करोगे? वीकेंड पे। इनका अंतिम संस्कार सैटरडे को फिक्स हो गया है। सीधा सैटरडे को, 5 दिन बाद। रिश्तेदार जी बिजी होते हैंगे ना, यहाँ मैयतें जो है छुट्टियों के दिन में उठती आएगी। अरे मियाँ बाप का अंतिम संस्कार है, को पिकनिक थोड़ी हो जो छुट्टी के दिन मनाओगे। तो जलाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने का क्या फायदा? फायदा? एक बात बताओ, आप तो मेहता साहब के बेटे हो ना? आप बचपन में कभी बीमार रहे होंगे तो मेहता साहब ने दफ्तर से छुट्टी ली होगी ना? साथ तो बाप की अंतिम क्रिया करनी, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। मनीष। यस सर। एम्बुलेंस भेज, अंतिम संस्कार आज ही होगा। यस सर। ये हुई ना बात, जैसे आप अपने बाप का अंतिम संस्कार कर रहे हो, भगवान करे आपका बेटा भी आपका अंतिम संस्कार वीक डेज में ही करे।
क्या ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं? अरे अच्छे आदमी तो हमारे मेहता साहब थे। ओए बोल जी चाचा जी, गाजे बाजे का इंतजाम करो, हाँ इनका हम विमान निकालेंगे। What the hell's going on here? What do you mean, Mehta? What does that mean? Plane, aircraft. Have you got a license to fly this aircraft, sir? पूछ रही हैंगी जो ये प्लेन उड़ा रहे हो, लाइसेंस हैंगा कि नहीं हैंगे? ओ जी हमारे पर तो स्कूटर का लाइसेंस भी नहीं है। ना आएगा जी। Arrest everybody. It's a dead body, not everybody. Chacha Jan, they can arrest anybody. Dead body is nobody. Arrest them! Jayam, jayam. बहुत हो गया। पहले नौकरी से गए, फिर पुलिस स्टेशन गए। 500 पाउंड की पेनल्टी लगी यार, 500 पाउंड। चाची जी को दब देखो, मुंह उठा के नींद में चलते हुए हमारे कमरे में आ जाती है। चाचा जी नेवर्स का बर्थडे हमारे घर पे मना रहे, पार्ट पे गाने सुनाते हैं यार, पार्ट पे आ रहे हैं। गाना नहीं गजल थी। गाना हो या गजल, स्मेल तो सेम ही होती है ना। साढ़े पंजाब में चैदा ही होता है। हेलो उड़ता पंजाब, मतलब उन्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? आई थिंक ही इज लविंग दिस। एग्जैक्टली, ही इज लविंग दिस, बट वी आर नॉट लविंग दिस। ऐसे परेशान बैठने से कुछ नहीं होगा आर्यन, उनको वापस भेजो। मेरी माँ वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, उनको कैसे भगाऊँ। प्लान सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। I'm too sexy for you, tere hath nahani. My name is Sheila, Sheila ki jawani. Aaryan! I'm too sexy for you. I have an idea! Yeah. मैं कहता हूँ बंद करो ये सब, फौरन ये कपड़े उतारो वरना। कपड़े उतार तो पहने ही कितने हैं? तुमने सुना नहीं क्या? तुमने मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट की? और करूँ? मैं अभी इसी वक्त ही घर छोड़ के जा रही हूँ। चलो टेरी शेरी। गो टेरी शेरी। रुको टेरी शेरी, रुको। ओए पुत्र बात क्या है, क्या बात है बता तो सही। चाचा जी आप बीच में मत पड़े। अने तुम अभी तक खड़ी हो, गो टेरी शेरी। रुको टेरी शेरी, और बता क्यों बहू को घर से निकाल रहा है, बता।
मैं बताता हूँ, मैंने इसको बोला कि ऐसे कपड़े मत पहना कर, चाचा चाची बड़े संस्कारी लोग हैं, बहू को छोटे कपड़ों में देखेंगे तो बड़ा सदमा लग जाएगा, घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सुनती नहीं, देखिए ना कितने गंदे कपड़े पहनी है। अच्छी, अरे बेटा ये कहाँ गंदे कपड़े हैं, कितने धुले धुले कपड़े, और लड़कियां भी कितनी धुली धुली चमक रही। चाचा जी आपको ये कपड़े ठीक लगे? पर आपने तो कहा था कि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमूंगी तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे। चाचा जी याद करिए, पहले दिन आप ही ने यहाँ पे खड़े होके कहा था। पुत्र मैंने तो याद नहीं है कि मैंने। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा यार, याद कीजिए। करता हूँ, याद कर। मैनु याद नहीं है, और वैसे भी लंदन में रह के मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अरे गुड्डी। What's my name? देखो देखो कौन आया, पंजाबी शेरनी आई। आपके चाचा जी ने जबरदस्ती खरीदवा दी। बिग बैन के पास 10 में फूल बेच रहा था, मैंने 5 दे के आधा खरीद लिया। वैसे जच रही है ना। शर्मा गई। ओए तू टेरी है? Yes. और तू शेरी है? हाँ। है? तो विस्की किसकी है? मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी थी, पी गया। एक काके। अरे अनाया, अनाया, अनाया। अरे लिसन ना, अरे क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? अरे वो नहीं, मेरी अंडरवियर क्यों पैक कर रही हो? यार तूने यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया इसको? अरे मुझे क्या पता किसने बुलाया यार, वो अनाया वो पिन बुलाया आते हैं। प्लीज कुछ करो वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। अच्छा रो मत, मैं सीधा सीधा जाके बोल देता हूँ कि भाई मुझसे अब नहीं हो रहा। हाँ वैसे चाचा जी आपको देख के पंजाब की याद आती है। आपको नहीं आती? आती आती है बेटा, आती है। अच्छा चाचा जी मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था पेटीएम ऐप पर फ्लाइट बुकिंग पे कैशबैक मिल रहा है, लंदन टू इंडिया ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री वाले टिकट्स। रियली? हाँ हाँ। अरे वाह। तो बोल रहा था किसी को चाहिए हो तो बता देना। तो बता दूँ? क्या बता दूँ बेटा, अगर फ्री टिकट्स चाहिए हो तो। मैं तो किसको जानता नहीं हूँ कि जिसको इंडिया जाना हो। गुड्डी तू जानती है? नहीं तो पता चलेगा बता दूं, पर इंडिया क्यों जाना है आज? चाचा जी वैसे इंडिया नहीं लंदन में बरसात बहुत होने वाली है, मौसम बहुत खराब होने वाला है चाचा जी। बारिश हो रही तो प्रॉब्लम करता है, हम छाता लेकर ही आए। क्यों गुड्डी जी? दो दो लाई हो, एक बारिश में खोलने के लिए, एक धूप में खोलने के लिए। मेरा तो हो गया, मरा गया। मूली के पराठे हजम नहीं होते। देखा ना जरा, पेट पेट खराब होता चाचा जी। तो गुड्डी तुम मीठा मीठा देखती हूँ, और सब ठीक? गुड्डी प्रॉब्लम कितने? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है तो घर जल्दी आऊंगा। जब तक चाचा चाची घर पे हैं मैं घर नहीं आऊंगी। अनाया अनाया क्या आ रहे हैं, ये लाइफ के लिए शादी नहीं की थी कि वो आराम से लंदन घूमे और हम यहाँ पे पागलों की जैसे बस। अनाया ऐसे तो क्या आ रहे हैं वो देखो, अरे ये लोग तो लंदन घूमने गए थे ना। चाचा चाची ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Thank you.
जा कहाँ रहे हैं आर्यन? एक सेकंड। हेलो। हेलो चाचा जी, लंदन टूर कैसा चल रहा है? ओ जी फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये बस तो सब घुमा घुमा के लेके जा रही है पुत्र। अच्छा बस में घूम रहे हैं? गुड्डी गुड्डी नीचे मत जा, गिर जाएगी, नीचे मत जा, गिर जाएगी। क्या हुआ चाचा जी? गुड्डी नीचे जाके बस के टायर गिर रही है। अच्छा चाची जी बस में झाक के टायर गिर रही है। हेलो 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 चाचा जी, शाम को मिलते पुत्र शाम। ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? एक बार पहले भी उन्होंने ऐसे किया था। पता करना पड़ेगा। इनके सामान की तलाशी लेते हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं लोग। कायदे में होता है। नहीं, गुर्गफात और सफात खिलखुलाट जिस फरा। आहो, क्या फायदा कल कायदा? हिजबुल लाइटबुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। वल्ला। इन इनका ना जरा पेट खराब रहता है। गुड्डे, गुर्गफात। अरे घुमा घुमा के इन्होंने मेरा सर घुमा दिया। लंदन की एक बात माननी पड़ेगी पुत्र, अत्ते का बच्चा बच्चा अंग्रेजी जानता। एबो इधर। नहीं। अरे इधर आ। चल जाओ, चल जाओ। अरे नकली है। एबो, एले तेरे लिए। तेरा दिल करता है ना कभी कभी मैंने गोली मारने का, इससे मारना। और ये तेरे होने वाले बच्चे के लिए। इन चाची जान बच्चे कहाँ आएंगे? तो बच्चे आ जाएंगे। खिलौने घर पे रहने से याद रहता कि बच्चा भी आना है, वरना लंदन में टाइम कितने लोगों के पास बच्चे पैदा करने वास्ते। आपने दुरुस्त कहा, दुरुस्त कहा। मुझे देखिए, लंदन में 6 साल से है, लालू खेत हो रखे होंगे। 6 साल में एक हादसा, हारून पाकिस्तान होता, अफरीदी असलम सोहेल 11 की क्रिकेट टीम खड़ी कर देते हैं हम। 11 नहीं, 13 मियां, 13। चाचा जी क्रिकेट है, 11 के प्लेयर होते हैंगे। तो तुम्हारे 2 अंपायर भी तुम्हारी तरफ से खेलेंगे हैंगे ना? जा तो है।
अरे बट गर्ल सुन यार, अरे प्रॉब्लम कितने पाई हैव टू अकॉम्पनी अस डाउन टू द स्टेशन। आने दो गुड्डी, गुड्डी गर्ल सुन को लंग बंद तो नहीं खुला रहेगा ना। अरे मैंने पुलिस को फोन करके बोला कि चाचा जी का वीजा एक्सपायर हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने चाचा जी का पासपोर्ट देखा था, 2 महीने का वीजा बचा हुआ था। आए हुए 3 महीने हो गए इनको, पुलिस खुद ही अपने आप भेज देगी इनको। I'm gonna ask a few questions, please answer correctly. जी, हमारे काके ने बुला दीजिए प्लीज। आप लोग पहले इनके सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ जी। Sir, please tell me your name. Ganga Sharan Gandotra. And your name, please? Ji, Shazia Khan. Can I see your papers? Visa or passport kahan hai aapka? Ek call phone karne ko milega. Kisko phone karna chahte hain? Aaryan! इतने दिनों बाद गुलामी से आजादी मिली है, ये घर अब हमारा है। हमारा जो मन करेगा, जहां मन करेगा करेंगे। बाथरूम में खाना खाएंगे, बेडरूम में नहाएंगे और किचन में प्यार करेंगे। ओए, किचन में भूख लगी है? हैं? चाचा जी आप घर पे? अरे मैं तो शाम को जल्दी आ गया था, थक गया था तो सो गया था। गुड्डी तो अभी भी सो रही है। तेनू पता है की होया आज? नहीं। ओए मैनू पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गए किसी खोते दे पुत्र पैन दे टक्के ने फोन कर दिया था कि हमारा वीजा खत्म हो गया, हम गैर कानूनी रहते हैं। अरे उन्होंने की पता साढ़े बड़े बड़े कनेक्शन है। मैंने तो 1 साल का वीजा पहले ही बढ़वा लिया था तेरी शादी के टाइम। क्या बोनी सिंह, वो बोनी का हस्बैंड, वो एम्बेसी में तो काम करता है। हा? और इस बार उसको बोल के मैंने 6 महीने का और लगवा दिया। तेरे बच्चे भी होंगे ना, एक गुड्डी भी सब सामान फ्रिज में रखती है। चाचा जी इतना सब हो गया, आपने फोन भी नहीं किया, गैर थोड़ी है। जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, बोनी सिंह आया पुलिस पे और फटाफट छुड़वा के लेके गया। देख चाचा जी, पासपोर्ट में तो चाची जी का नाम शाजिया खान है बेटा, मुसलमान है। चाचा जी शादी के बाद सरनेम अलग अलग कैसे? अरे मैंने गुड्डी से शादी की है, सरनेम से नहीं, इंसान से शादी की है बेटा, मुसलमान से नहीं की। बहू खाओगी कुछ? नहीं चाचा जी, खा कर आई हूँ। ओए पुत्र तू? नहीं, मैं भी भूख नहीं लगी चाचा जी। ओए काके, गल सुन। ये सब ठीक है, टेंशन नहीं है ना? वो तो बता देना, हाँ हम तेरे ही हैं। हाँ समझ गया से गाड़ी पका के लेके जा रहा है, तो बता दे कितने जा रहे हैं। चाचा जी हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन करा दूं। ये बात है, वाह 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 पुत्र, तेरा नाम काके नहीं श्रवण कुमार होना चाहिए। गुड्डी ये देखा, ये ऐसे होते हैं विचार जैसे तेरे हाथ का डाला हुआ आम का अचार। पर ये बता सारा सामान क्यों रखवा लिया? मेरा छाता भी अंदर रखवा दिया। देखो चाची जी वो 1-2 दिन लग सकते हैं, तो मैंने सोचा अच्छे से घुमा दूं। लेकिन पुत्र हमको तो कल ही लंदन वापस आना। क्यों चाचा जी? वो अपना ये वो गुरुद्वारे में पाठ रखवाया है। पाठ है गुरुद्वारे।
आ जाएंगे ना वापस? जी आ जाएंगे। बाप तू भगा पुत्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा जान हैंगे? उनका पार्सल आया था। क्या है इसमें? अल्लाह जाने क्या है इसमें। दो दिन पहले हमारे एड्रेस पे मंगवाया था, बोला आज ले जाएंगे, कल जा रहे हैंगे ना वो, तो हमने सोचा अभी चल के दे आते हैं, कहीं भूल ना जाए। कहाँ हैंगे कहाँ वो? नहीं चाचा जी, ये कॉफी पीने के लिए। हाँ ये तो अच्छा किया बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं। आ जा कुछ। मैं लगाता हूँ। टू कॉफी प्लीज। जस्ट टू। बेटा तू भी कुछ खा ले, सवेरे से कुछ नहीं खाया। नहीं चाची मुझे भूख नहीं है। अरे गाड़ी में भी नहीं खाया कुछ भी? लगता है तेरे को चाची के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने तो आदतें बिगाड़ रखी है। बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मिस करेगा वही तो, किससे जा है? लेके आता हूँ। आ जाने तो कोई दूसरा उठा ले। जाना। ये लड़का भी ना। कुछ भी कहो लेकिन अपना काका है बड़ा पिता। He only ordered two. Get it? Do he mangwaya? No, no. My son, come in. Three coffee. Sir, he has gone. Your luggage is there. Closing for the day. Pick it. हैं? घबराने की बात नहीं। तो उनको छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। हैं? नहीं? छोड़ा है।
राइट आर्यन। कुछ तो मसला है आर्यन, चाचा जी को फोन करो। तुम्हारे अकाउंट में 70 लाख रुपए किसने डिपॉजिट किए? माँ बाप आपके हैं? चाचा चाची। क्या रिश्ता है आपका उनसे? जी वो हमारे गेस्ट थे और लंदन घूमने आए थे। वो लंदन घूमने नहीं आए थे, अपने बेटे का सामान लेने आए थे। उनका बेटा अजय गंडोत्रा आईआईटी पास आउट, इसी ऑफिस में काम करता। 9/11 वो न्यूयॉर्क गया था ऑफिस के किसी काम से। जिस वक्त वो हादसा हुआ वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, लाश तक नहीं मिली उसकी। उसकी मौत की खबर सुन के उसकी मां को स्ट्रोक लगा और 8 साल लग गए उन्हें अपने पैरों पे वापस खड़े होने। उसकी मां को अपने बेटे के लिए आखिरी नमाज पढ़नी थी ग्राउंड जीरो, जिस जगह उनके बेटे की मौत। कुछ 3 महीने पहले वो आए थे। इतनी बड़ी ऑफिस में काम करता था मेरा काका। He was a great guy, great friend, great son. ना मैं भूल रहा था कि उसका जो सामान जो है बेटा, हम कुछ दिन बाद ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि लंदन में हमारा बेटा है, बेटे जैसा है, उसकी शादी है तो थोड़े दिन के बाद। अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आप चाहें हो जाएगा। जिस बेटे के सामान को पाने के लिए 9 साल इंतजार किया, जिस नमाज को पढ़ने के लिए मां ने 9 साल इंतजार किया, हमारी खुशियों के लिए 3 महीने हो। फिर कुछ दिनों पहले दोनों आए थे। उत्तर एक काम करना, इस एड्रेस पे जरा ये सामान कुरियर करवा। तो शादी के माहौल वाला घर है, हम वहां जाकर हमारी कहानी सुना के काके को दुखी करना नहीं चाहते। ठीक है अंकल, अजय का एक इंश्योरेंस अमाउंट है 1 लाख पाउंड, लगभग 70-80 लाख रुपए। आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, कल तक ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा काका अनमोल था, उसका मोल। और बच्चे की मौत का पैसा कौन माँ बाप खा सकता है? आप वो पैसा हमारा जो लंदन वाला काका है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। मैं आपको सारी डिटेल भेज दूँ, ठीक है? फकीर लोग, पाने की कोई चाह नहीं थी और खोने के लिए कुछ बचा नहीं था उनके पास। पाने की अब चाह नहीं कुछ, खोने को
छोड़ो यार, आपकी आ जाती नहीं तो आएगी कहाँ से? चल झूठे, कभी फोन नहीं किया। बिजी था वहाँ। मैं अमेरिका आया हूँ, न्यूयॉर्क ऑफिस के काम से। बहुत खूबसूरत जगह, इतना रश, इतने लोग, कोई खो जाए तो ढूंढना मुश्किल। मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिड़िया है। क्या खूबसूरत जगह है, क्या नजारा है, क्या लाइफ है। ओए खोते दे पुत्ता, कल्ले कल्ले नजारे ले रहा है। ओए छड्डो यार, आपकी उम्र हो गई है, पर फिक्र मत करो, आपको जल्दी यहाँ लेके आऊंगा तो बैग लगाएंगे और साथ में नजारे देखेंगे। आपको पता है माँ, टाइम स्क्वायर के बारे में कहते हैं कि अगर एक बार कोई आपको मिलता है तो यहाँ दोबारा जरूर मिलता है। सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेरे सामने ही है, ट्विन टावर। आप आओगे तो दिखाऊंगा, दूर से ही नजर आ जाते हैं। बेटा हमारा आना कहां, तू आ जा, बड़े दिन हो गए तुझे देखे, बड़ा दिल कर रहा। छड्डो यार, आंखें बंद करो फिर खोलो। देखो ये मैं खड़ा हूं और पीछे ट्विन टावर। साढ़े काके का नाम है, क्या कसूर था मेरे बेटे का जो उसका नाम यहां पे छप गया? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? एक ही बेटा था हमारा, वो सारा दिन बस एक ही नाम, काके काके काके। हैं जी, मेरे को तेरे जैसा दिखता था पुत्र। जा लपा कबरू जवा चला गया। तो उसका सामान लेने आया था पुत्र, तेनू तंग करने नहीं आया था। मैं गुड्डी से कहता था कि गुड्डी निकल जाते हैं, काके को तकलीफ होती होगी, लेकिन ये ट्यूबलाइट है। तो नहीं, हम काके का घर सेट करके ही जाएंगे। तो हमारे काके की शादी तो हम नहीं कर पाए, ये तेरी शादी करके लगा जैसे हमारे बेटे की शादी हो गई। गलती हो गई है तो माफ कर दे। नहीं चाचा जी, गलती तो हमसे हुई है, हमें किसी की आदत नहीं है ना, आपके अपनेपन को समझ ही नहीं पाया। चाचा जी, हम ना झूठे डॉग लवर्स की तरह, जैसे लोग कुत्तों से प्यार करते वैसे हम
इंसानों से प्यार करते हैं। जब हमारा बनुआ टॉबी आओ, जब बनुआ टॉबी गो, टॉबी का मन उसका कैसा मन, वो तो कुत्ता है। इसे हम लोगों ने आपके साथ ट्रीट किया। जब हमारा मतलब निकल गया, छोड़ा है सड़क पे। हमने तो शादी भी मतलब के लिए की थी, पर असली मतलब तो आप दोनों ने समझाया ना। मैं वेरी सॉरी। नहीं बेटा, हमें भी तो समझना चाहिए। बच्चे तो मिट्टी के खिलौने होते हैं, कस के पकड़ो ना टूट जाते। हमने कुछ ज्यादा ही कस के पकड़। चाची जी प्लीज प्लीज। लोग कैसी बात कर रहे हो? अगर आपका अपना काका होता तो आप ऐसे हाथ जोड़ते या वो आपको ऐसे हाथ जोड़ने देता? अरे दिल जीत लिया पुत्र, वाह वाह। हमारा काका होता तो कहता छड्डो यार और आके सीधा सीने से लग जा। गरीब नवा मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा साई रखियो मेरी ला साई रखियो मेरी लाज। हम हिंदुस्तानी भी कितने अजीब होते हैं ना। पहले मेहमान को भगवान बना के घर ले आते हैं, फिर उनके विसर्जन करने के तरीके ढूंढते हैं। काके अचानक कैसे प्लान बन जाते हैं? पायलट पायलट। अचानक कहाँ बेटा, जब हमको पता चला कि काका के बहू की काका और काकी दोनों आ रहे हैं तो हम आ गए। 3 महीने पहले ही सस्ते में टिकट बुक करवा लिया। तो मैं इन दोनों की मालिश करा के उनको अच्छा हट्टा कट्टा बना के ही जाना है। जी लेकिन स्कूल छोड़ने मैं जाऊँगा। पार्क तो मैं ही ले जाऊंगी। खेलेगा तो मेरे साथ ना। खिलाऊंगी तो मैं ना। ओए क्या खड़े खड़े सुन रहा है, बाकी प्लानिंग घर पे बताते। जा सामान लेकर। और सब ठीक? सब ठीक चाचा जी। और पुत्र? जी चाचा जी। हम तुझ पे बोझ बनना नहीं चाहते। तू कहे तो हम किसी होटल में रुक जाते। क्यों गुड्डी? आहो जी, हम आप दोनों को तकलीफ नहीं देना चाहते ना बच्चों। अरे नहीं नहीं चाची जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम पराए थोड़ी ना। अच्छा। लेकिन अगर आप लोगों को होटल में रुकना है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकता हूँ? चपेट मारूंगा मुंह पे। हम गए रहे पराए हैं, और तेरा हक बनता है रोकने का। एक बार रोक के दिखा, देख हम रुकते कि नहीं रुकते। रोक। रुक जाइए चाचा जी, रुक। पटियाला तेरी जवानी आजा कर दे शुरू कहानी। हूँ तो मैं एक देसी छोरा पर जादू इंग्लिश रानी। मचाना शोर है, म्यूजिक में जोर है, स्टाइल मेरा थोड़ा क्रेज है, ये नहीं बैं। प्यार मिला दे, थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे। नशे दिए बंद बोतले, नशे दिए बंद बोतले। तू ही मंजिल है मेरी, तू ही तकदीर है मेरी, तेरे नाल जिंदगी दी कोई भी कमी। तू मेरी महबूब मेरी।
बेकाबू हो जाए अब व्हाट टू डू, हुस्न में नशा लो जी मैं फंसा, टेल मी बेबी क्या मैं करूं।